टू मेक दही बड़ा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने उड़द की दाल और मूंग की दाल कल रात को ही भिगा के छोड़ दी थी और अभी ये बहुत अच्छे से भीग गई है, तो अब मैं इन दोनों को ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इसमें से पानी को पूरे तरीके से निकाल दिया है क्योंकि ज़्यादा पानी होने पे इसकी कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी, पतली हो जाएगी, जो हमें बनाने में बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो पानी का स्पेशली ध्यान रखिएगा ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक रहे। हमें थोड़े थोड़े पानी देके इसको मिक्सिंग करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा भी पानी नहीं देंगे तो इसकी बैटर सही नहीं बनेगी। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब मेरा बैटर बन गया है उड़द की दाल का, तो अब हम इसको इस बाउल में खाली कर लेंगे। आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ठीक है, ऐसी ही कंसिस्टेंसी में हमें निकालना है इसे। मूंग की दाल को ले रही हूँ, अब इसको भी मुझे अलग से पीसना है। पीस के हमें फिर एक साथ उसी बैटर में, उड़द की दाल के बैटर में मिला देना है। इसमें भी सेम प्रोसेस यूज़ करना है, इसको ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है। इसमें भी थोड़ा पानी दे के हमें इसको ब्लेंड कर लेना है। बैटर रेडी है और हम इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम स्वाद अनुसार सॉल्ट, नाउ वी विल स्टार्ट द बीटिंग। बीटिंग प्रोसेस में आपको यही ध्यान रखना है कि आप अपना ये चारों उंगली का इस्तेमाल करें ताकि बीटिंग सही लेवल पर हो और एक ही दिशा में आपको बीट करते रहना है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी 10 मिनट आपको ऐसे फेंटना है ताकि आपका ये जो बैटर है नेचुरली फूले, ना कि आपको उसमें सोडा ऐड ऑन करना पड़े। हालांकि सोडा हम देंगे एकदम लास्ट में, जो कि पानी में हम यूज़ करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से बीट करिए। इसको 10 मिनट तक के लिए फेंट लिया है। अब फेंटने के बाद में आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी फूल गई है, कितना फ्लफीनेस आ गया है इसमें। अब हमें इसको और 10 मिनट के लिए अच्छे से साइड में रख देना है जब तक ये और थोड़ा फ्लफीनेस आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ऑयल पैन में गर्म हो रहा है। इसको हमें पहले से प्री हीट करने रखा है ताकि हमें प्रॉपर टेम्परेचर मिले फ्राइंग के टाइम पे। यहाँ हमारे दो किस्म के पानी हमने पहले से ही रेडी करके रखे हैं। एक ये जो पानी है ये नॉर्मल प्लेन पानी है, और ये जो पानी है ये थोड़ा ल्यूक वॉर्म वाटर है जिसके अंदर मैंने एक थोड़ा पिंच सोडा डाला है और एक पिंच मैंने इसमें सॉल्ट डाला है ताकि हर चीज़ इसमें बैलेंस्ड रहे, फ्लफीनेस भी अच्छे से आए, ताकि अगर बीटिंग प्रोसेस में थोड़ा भी गड़बड़ी हो, अगर आपके बड़े ना फूले, तो एंड प्रोसेस में वो अच्छे से शेप अप ले लें। और लास्ट में हमारा ये बैटर अब एकदम तैयार है, जिसके अंदर अब हम ये मिक्सचर ऐड करेंगे, जो कि ऑप्शनल है। आप डाल भी सकते हो, आप नहीं भी डाल सकते हो। यहाँ मैं कटे हुए हरी मिर्च फाइनली चॉप किया हुआ वो डाल रही हूँ, जीरा और हींग। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी ना डालें, प्लेन भी रखें, तो आप हींग ज़रूर से डालें, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है और ये एक बड़े को जो टेस्ट देती है वो काफ़ी यू नो एडमायरिंग है, आई कैन से दैट। तो मैं हर चीज़ में जब भी मैं ये बनाती हूँ बड़े, मैं हमेशा एक चीज़ करती हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो तो मैं हींग डालना भूलती नहीं हूँ। इट गिव्स अ रियल गुड टेस्ट। तो अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद आई विल स्टार्ट द फ्राइंग। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। हमें फ्राई के टाइम पे इतना ही ध्यान देना है कि भले आप सही से बनाएं और ज़्यादा बड़े बड़े ना बनाएं,
जितना हो सके छोटा मीडियम साइज ही रखने की कोशिश करें, क्योंकि वो ऐसे ही फ्लैटनेस उसमें आएगा ही। ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो वो फटने के चांसेस होते हैं। देखिए ये अब कैसे अच्छे से फूल रहे हैं। बीटिंग अच्छा होने से इसका स्पॉन्जीनेस बहुत अच्छे से निखर आता है। और हमें इसको हाफ फ्राई ही करना है, फुल फ्राई नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, ये इसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले हम इसको हाफ फ्राई करेंगे, उसके बाद सारे बड़े जब रेडी हो जाएंगे तब उनको गोल्डन फ्राई करेंगे हम। फ्रेंड्स अब ये हाफ फ्राई हो चुके हैं तो मैं इसको अब एक बाउल में निकाल लूँगी सारे। मेक श्योर आपका फ्लेम एकदम धीमी आंच पे रहे, हाई फ्लेम बिल्कुल ना करे इस टाइम पे, नहीं तो सारे बड़े जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जैसे हमारे ये बड़े रेडी हैं हाफ फ्राई होके, अब हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। तो देखिए, मेक श्योर कि जले ना, हमेशा मैं इसी बात बोल रही हूँ कि बड़े ना जले। आपका ऑयल का टेम्परेचर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा और बहुत स्टर्लिंगली उसको करते रहना पड़ेगा। स्टर तो मस्ट है, अच्छे से स्टर करते रहिएगा आप। देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसको ज़्यादा भी हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो काफ़ी कड़क हो जाएंगे। अब हमें अच्छे से ऑयल को स्ट्रेन करना है और जैसे मैंने आपको बोला था, प्लेन पानी में उसको डाल देना है ताकि उसकी जितनी भी ऑयल है वो उसके अंदर में आ जाए। फ्रेंड्स अब ये जब फ्राई होने के बाद में प्लेन पानी में भिगा के रखे हुए 10 मिनट से, अब टाइम है कि हम इसको सोडा वाले पानी में ट्रांसफ़र कर दें। पूरा ऑयल इसमें आ गया है प्लेन पानी में। अब हम इसमें डाल के इसको हाफ एन आवर के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। देखिए हमारे दही बड़े कितने अच्छे से फूल गए हैं और कितने स्पॉन्जी लग रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम अपने दही बड़े के लिए मेन जो इंग्रेडिएंट है दही, उसको रेडी करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए शुगर। शुगर मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार, किसी को डायबिटीज़ है तो आप शुगर फ्री भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून लिया है। रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा काला नमक एंड कोरिएंडर। अब हम इसको बीट कर लेंगे। अब हमारा दही का मिक्सचर भी रेडी ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम इसको साइड में रखते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट आवर प्लेटिंग। मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है जहाँ पे मैं सर्व करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। पानी को थोड़ा सा स्क्वीज कर लें, थोड़ा सा दबा लें अच्छे से, क्योंकि पानी को
थोड़ा निकालना ज़रूरी है। अगर पानी नहीं निकालेंगे हम लोग तो मुँह में अजीब सा सोडे का टेस्ट आएगा। अब हम ये मिक्सचर को इसके अंदर में डाल देंगे। थोड़ा डैप कर दीजिएगा ताकि वो अंदर तक जाए। अब हम इसमें इमली का पानी डाल रहे हैं। इमली का पानी ऐसा है कि आपके पास अगर रेडी घर में बना हो तो भी अच्छा है, ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसमें हरी चटनी भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे केचप दे रही हूँ क्योंकि मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद है केचप के साथ खाना। और लास्ट में सम भुजिया, इट विल गिव यू अ वेरी गुड क्रंच। नाउ योर दही वड़ा इज रेडी टू ईट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। फॉर मोर वीडियो please like, share and subscribe my channel and do not forget to press the bell icon. Bye bye.